चलिए बच्चों बताओ ये किस चीज का फिगर है? ये क्या करते हैं आप लोग? भोजन का ना। ये क्या है? रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हरी सब्जी, सलाद, दूध, अंडा। ये किस प्रकार का आहार होता है? संतुलित। किस प्रकार का आहार होता है? संतुलित। संतुलित आहार किसे कहते हैं? कितने लोग बता पाएंगे? हसीना आप बताइए। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। वेरी गुड। और कौन बताएगा? दिव्यांश आप बताइए। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसलिए बहुत उल्टा पुल्टा चीज खरीद के नहीं खाना। ये सारे चीज तुम्हारे घर में तुम्हारे मेहनत से ही आ सकते हैं। आ सकते हैं ना? Yes, ma'am. घर के बाहर सब्जियां बो सकते हो? Yes, ma'am. खा सकते हो ना? Yes, ma'am. इसमें बताओ सलाद में क्या तुम लोग के घरों में मिल जाएगा? खीरा, टमाटर अच्छे से सबको मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? आप लोग के खेतों में लगे रहती है ना? हाँ, तो दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हो उसके साथ में सलाद भी लिया। हाँ, दूध किसके घर घर में उपस्थित है? सबके घर में है ना? Yes, ma'am. पीते कितने लोग हो? पीते हो? हाँ, दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक, इसलिए दूध का लेना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक है, तब संतुलित आहार सबको समझ में आया। Yes, ma'am.